भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशियस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैचू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को, आपने भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पर पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूख के भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है, क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है देश का जो है आज, बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। अब दादा, अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीने आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है महाराज, ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDBB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं, छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे क्या? है उनका एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री, ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते, टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहकर इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ, बर्बाद गुलदिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा।